हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आर चैनल वीकेंड क्लास चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस ज्योग्राफी और चैप्टर वन ऑफ क्लास नाइन्थ वी विल डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि नैरो चैनल ऑफ सी व्हिच सेपरेट्स टू लैंड मैसेज इज नोन एज एक जो सी का पतला सा किनारा है जो कि दो सीज को अलग करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं स्ट्रेट जैसे उसका एक उदाहरण है पाक स्ट्रेट पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और वो किसको किसको अलग करता है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को अलग करता है नाउ द सेकंड क्वेश्चन चाइना इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड तो चाइना जो है वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है इसमें जो पहली कंट्री कौन सी है पहली कंट्री है वो है रशिया दूसरी कौन है कैनेडा थर्ड यूएसए और फोर्थ चाइना तो आंसर विल बी फोर्थ नाउ द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन तो जिस दिन ये आप लोग इसको जान लीजिए ऐसे क्वेश्चन को कि जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेस सीधी पड़ेंगी उस दिन भारत में दिन जो है वो सबसे लंबा होगा तो ये जो प्रक्रिया होती है वो होती है 21 मार्च को तो द सन रेज विल फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन ऑन ट्वेंटी ऑफ मार्च अब जो है कि वाट इज़ द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेन लैंड तो अब जब इंडियन मेन लैंड की हम लोग बात करेंगे तो ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और इंदिरा पॉइंट इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है केप कैमर या कन्याकुमारी तो डैट इज ऑन एट डिग्री फोर मिनट्स एंड डैट इज दैट लैटिट्यूड इज बिकॉज इंडिया लाइज होल्ली इन द नदर्न हेमोस्फियर तो ये जो है आंसर आपको याद रखने वाली चीज है इसके बाद वेन वॉज इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडोनेशिया से एकदम सटे है तो इट वॉज सबर्ज अंडर वाटर इन 2004। ये सुनामी आई थी 2004 में और उसमें ये सबर्ज हो गया ऐसा एक दो 2017 में ये वापस से इमर्ज हो गया तो यू विल रिमेंबर दिस अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर छः फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज कितना टाइम का डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में तो ये जो अंतर है वो दो घंटे का है इसीलिए हम लोग जो है जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इंडिया का है वो इलाहाबाद में है मिर्ज़ापुर के आसपास ताकि वहां से अरुणाचल प्रदेश और वहाँ से गुजरात जो है दोनों एक एक घंटे की दूरी है तो एक नॉर्मलाइजेशन किया जा सके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वहाँ से डिसाइड किया जाता है नाउ व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया तो ऊपर से नीचे तक व्हाट इज़ द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया अगर एग्जैक्ट उसमें देखा जाए तो तीन है और नहीं तो एग्जैक्टली exactly अगर देखा जाए तो तीन तो किलोमीटर जो है वो एक्सटेंट है ये नॉर्थ साउथ है और वही अगर जो पूछ दिया जाए कि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है तो रफली थ्री थाउजेंड और प्रिसाइसली कितना होगा टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री किलोमीटर ये ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है अब नाउ द लैंड ऑफ इंडिया इज अबाउट हाउ मेनी मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडिया का लैंड मास एरिया है तो ये बहुत जानने वाली बात है एंड डेट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है डेट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स एंड डेट विल बी ईस्ट ठीक है नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द क्वेश्चन नंबर टेन इट से वट इज द लेटीच्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया तो लैटीट्यूडनल एक्सटेंट कहां से कहां तक है द आंसर इज एट डिग्री फोर मिनट नॉर्थ क्योंकि आपको बताया था कि सदन है तो नदन है क्या है थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट कहां पे है नदर्न मोस्ट एक्सटेंट ये दोनों जो है साउथ मोस्ट और नदर मोस्ट लैटीट्यूडनल एक्सटेंट है अब जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड जहां मेन लैंड की बात हो रही है यहां पे आइलैंड की बात नहीं हो रही है तो मेन लैंड का क्या है कन्याकुमारी या केप कैमरेन अब वही अगर जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया होता तो क्या हो जाता इंदिरा पॉइंट हो जाता तो ये थोड़ा सा आप लोग देखिएगा ध्यान दीजिएगा नाउ विच कंट्री शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया इन द वेस्ट वेस्ट में कौन सी कंट्री जो है जो इंडिया की नेबर है तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि दो ही कंट्री हैं जो इंडिया से वेस्ट में नेबर्स हैं दैट इज वन इज पाकिस्तान एंड सेकंड इज अफगानिस्तान तो चूंकि यहां पे अफगानिस्तान का नाम नहीं है आंसर विल बी पाकिस्तान

टबेयर जो है अपनी सेलोलर जेल के लिए बहुत विख्यात है यहाँ पे कई लोगों को काला पानी की जो सजा है वो दी गई थी नाउ द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जिसकी अभी तक हम लोग बात किए थे कुछ देर पहले वो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री किलोमीटर नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इंडिया लाइफ इन विच ऑफ दियर तो एक तो आपको मैंने बताया है कि टोटली नदर्न हेमोसफियर में है और ईस्टर्न साइड में है तो जो आंसर होगा नॉर्थ और ईस्ट नदर्न एंड ईस्टर्न हेमस्फियर क्योंकि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है अगर उसको जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड माने तो उसके जो ईस्ट में है वो सारे ईस्टर्न हेमस्फियर में आएंगे और ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ और ईस्ट इसलिए नदर्न एंड ईस्टर्न हेमिसफियर अब जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू तो पहले ये जान लीजिए किन किन स्टेट से पास करता है तो राजस्थान से पास करता है छत्तीसगढ़ से पास करता है त्रिपुरा से पास करता है उड़ीसा से पास नहीं करता है तो जो आपका आंसर के होगा वो है उड़ीसा इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी पास करता है झारखंड से भी पास करता है तो ये सब कुछ एक स्टेट्स स्टेट जो आपको जानना चाहिए कहाँ कहाँ से पास करता है

इंडियन स्टेट विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन द ईस्ट यहां देखिए मामला थोड़ा सा अलग हो गया इंडियन स्टेट विद्गेस्ट कोस्ट लाइन इन अब टोटल वैसे अगर पूछा गया होता तो गुजरात है लेकिन चूंकि ईस्ट का पूछ दिया गया तो कौन सा हो गया आंध्र प्रदेश लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द ईस्ट अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट कर देते हैं वैसे जो है किसकी है वो है गुजरात की लेकिन चूंकि ईस्ट में पूछ दिया गया तो किसकी है आंध्र प्रदेश की है लैटिट्यूडनल एंड लैंगीच्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज अब आपने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो इंडिया का कितना है तो 37 सेवन डिग्री साइक सिक्स नॉर्थ से घटा करके एट डिग्री फोर्थ को करीब करीब घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री के आसपास और यही लॉन्गिट्यूड भी है तो जो आंसर आपका होगा वो कितना होगा थर्टी डिग्री अब कवरती कवरती क्या है कवरती इज सिचुएटेड इन लक्षद्वीप ये लक्षद्वीप की कैपिटल भी है लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हुई कवरती हो गई नाउ स्वेस कैनाल वॉज ओपन इन दर कैनाल कहां पर है सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है तो सुएज कैनाल इज सिचुएटेड इन इजिप्ट सुज कैनाल वॉज फर्स्ट ओपन इन 1869 और दिस लेड टू द फ्लरिशमेंट ऑफ ट्रेड और इस वजह से इजिप्ट को बहुत ही बहुमूल्य विदेशी मुद्रा जो है चूँकि उसने अपने अरे ट्रेडमार्क के रूप में ट्रेड रूट के रूप में उसको यूज़ करने दिया गया इजिप्ट ने और उसके बदले उसे बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त हुआ और डेट लेट टू वेरी क्वाइट इंक्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन इजिप्ट तेल के अलावा अगर इजिप्ट में कुछ था तो इसके द्वारा जो प्राप्त विदेशी मुद्रा थी वो थी टैक्स के रूप में तो स्वेज कैनल वॉज ओपनड इन द ईयर 1869 उस वक्त उसकी जो चैनल था वो कितने मात्र बहत्तर फिट वाइड था मतलब ट्वेंटी टू मीटर्स वाइड अब जब आते हैं कि इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है तो हम लोगों ने चौथे तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था चौथी चाइना थी अब पांचवी आती है तो पांचवी ब्राज़ील आ जाती है सिक्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और सेवेंथ जो है वो इंडिया आ जाता है तो इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड तो ये जानने वाली बात है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अगर हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड, मेन लैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन तीनों की जो कोस्ट लाइन है अगर हम लोग ऐड कर लें तो जो कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मेन लैंड है वो क्या हो जाती है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर हो जाती है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स एंड नाउ वी कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन दैट इज इंडिया हैज़ गॉट डैश नंबर ऑफ स्टेट्स एंड डैश नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज तो फ्रेंड्स इस वक्त इंडिया में कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ गॉट ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूटीज इन टोटल तो अगर आपसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ स्टेट हैं तो हेयर इट इज ट्वेंटी एट एंड टोटल यूटीज हेयर इज एट तो द आंसर विल बी सी सो फ्रेंड्स आई होप कि आज आपको हमारा ये एपिसोड जो है वो काफ़ी पसंद आया होगा प्लीज डू लाइक आवर चैनल एंड वी विल मीट विद द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑन Indian politics. Thank you.